हेलो टू माय व्यूवर्स, आज हम लोग बनाएंगे जिंजर की गोली। ये कोल्ड और कफ के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं 50 ग्राम्स जिंजर ले रही हूँ। मैंने इसको पील किया है और बारीक कट किया है। यहाँ पे मैं 50 ग्राम्स जौगरी यानी गुड़ ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा अदरक का क्वांटिटी है जिंजर का, उतना ही हम गुड़ लेंगे। अब मैं इसको पीस कर पेस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पे हमारे जिंजर को पीस कर पेस्ट बनाया है। अब मैं इस पैन में इसको डाल देती हूँ। अब मैं इसी के साथ यहाँ पे जौगरी डाल रही हूँ। फिर हम इसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। हम इसको अच्छे से, जब तक हमारा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको पका लेंगे। इसको ऐसे अच्छे से स्टर करते जाओ, मिक्स करते जाओ, जब तक कि हमारा ये जौगरी मेल्ट नहीं होता। ठीक है, कप के लिए, फ्लू के लिए, कोल्ड के लिए बहुत अच्छी गोली। यहाँ पे 1 पिंच जितना मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। मैं 4 से 5 ब्लैक पेपर को मैंने कूट लिया है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये हमारा यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितनी मैं मैंगो पाउडर डाल रही हूँ इसमें। ये हमारा ड्राई मैंगो पाउडर है। मैंगो पाउडर भी हमें इसमें ज्यादा ही लगेगी। ठीक है, अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी है मिक्सचर। अब हम इसके छोटे छोटे गोलियां बनाएंगे। और मैंने यहाँ पे शुगर को थोड़ा सा पाउडर बना के रखा है। इन गोलियों को हम शुगर में कोट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम छोटे छोटे इसके गोलियां बनाएंगे और शुगर में कोट करके रखते जाएंगे। इसमें चाहे तो आप हनी भी थोड़ा सा 1/2 स्पून जितना डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे हनी यूज नहीं किया है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे गोलियां बनके रेडी है। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, छोटे बड़े कोई भी साइज में आप जैसे कंज्यूम करना चाहते हो उस साइज में आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बनाए हैं। 50 ग्राम्स जिंजर लिया था मैंने, इसमें मेरे इतने गोलियां बन चुके हैं। आप 100 ग्राम्स जिंजर ले रहे हो तो 100 ग्राम्स ही गुड़ लेना। ठीक है, ये हमारे 50 ग्राम्स में इतने बन चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।